जवा थाना अंतर्गत जवा बाजार के रवि ज्वेलर्स की दुकान में बीती रात्रि अज्ञात चोरों ने दुकान में सेंधी मारकर दुकान के अंदर रखे लॉकर से लाखों का चांदी व सोने का सामान लेकर फरार हो गए। सुबह जब दुकानदार रवि सोनी ने अपनी दुकान खोली तो देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई, जिसकी शिकायत तत्काल जवा थाने में दर्ज कराई गई, जहाँ पर दुकानदार रवि सोनी ने बताया कि यह चोरी की दूसरी वारदात है। इसके पहले भी एक माह पहले इसी दुकान में चोरों ने चोरी की थी, जिसकी शिकायत भी जवा थाने में की गई थी, लेकिन आज तक चोर नहीं पकड़े गए, जिसका फायदा उठाते हुए चोरों ने दोबारा धाबा बोलकर दुकान में सेंध मारकर दीवार तोड़कर 1 से 1.5 किलो चांदी और 25 ग्राम सोना लेकर चोर फरार हो गए। उन्होंने आरोप लगाया है कि यदि पहली बार वारदात में चोर पकड़े जाते तो शायद आज ये घटना नहीं घटती। सर, हमारे परिवार में घटना हो गई थी, उसके बाद हम लोग उसमें बिजी थे, 10 बजे हम दुकान आए तो देखे तो हमारे दुकान के पीछे दीवार में सेंध की गई थी, और उसके बाद हमने पुलिस को सूचना दी। अच्छा, इसके पहले भी चोरी हो चुकी है इसमें क्या? इससे पहले हमारे दुकान में लॉकडाउन के समय चोरी हुई थी, तो उसमें कार्रवाई नहीं हुई अभी तक, सर उसमें कोई कार्रवाई नहीं। अच्छा, आज चोरी हुई में क्या कितना सामान आपका क्या चोरी हुआ? सर, आज हमारे दुकान का उसमें चोरी थी, उसका पूरा लाकर वाकर तोड़ दिए, और इसमें जो सामान रखा गया था लगभग 1.5 किलो चांदी और 25 से 30 ग्राम सोना था, उसको ले गए और तोड़ फोड़ करके काफ़ी नुकसान किए। इसकी शिकायत आपने जवाब में की है? हाँ, इसकी शिकायत हम जवाब में कर दी। क्या कह रहे हैं थाना प्रभारी? थाना प्रभारी बोले हैं कार्रवाई की जा रही है। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।